जय माता दी दोस्तों वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें दोस्तों आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण पच्चीस मार्च दो हज़ार चौबीस के समय के बारे में कि इस चंद्रग्रहण का एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा ये चंद्रग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा या नहीं क्या इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में माना जाएगा या नहीं और भारत में इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों 25 मार्च 2024 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है ये फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सोमवार को लगेगा और इसी दिन होली का पर्व भी मनाया जाएगा आपको बता दें कि 25 मार्च का लगने वाला चंद्र ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण है इसमें चंद्रमा का रंग थोड़ा सा धुंधला या मटमैला सा दिखता है इस ग्रहण को खुली आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है आपको बता दें कि 25 मार्च का चंद्र ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है इसीलिए इस चंद्र ग्रहण से जो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे वे हैं कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग इन्हें इस चंद्र ग्रहण के समय खास सावधानी और उपाय करने चाहिए ताकि इन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े आपको बता दें कि ये चंद्र ग्रहण आयरलैंड इंग्लैंड स्पेन, पुर्तगाल इटली जर्मनी फ्रांस हॉलैंड बेल्जियम नार्वे स्विट्ज़रलैंड उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका जापान रूस ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका अंटार्कटिका और आर्कटिक में दिखाई देगा हालांकि 25 मार्च का लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि जब ये ग्रहण लगेगा तो उस समय भारत में दिन निकला होगा ऐसे में ये चंद्र ग्रहण भारत में किसी भी शहर से देखा नहीं जा सकेगा क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल का विचार भी भारत में नहीं किया जाएगा भारत में इस चंद्र ग्रहण के सूतक के नियमों का पालन नहीं होगा धार्मिक दृष्टि से इस चंद्र ग्रहण का भारत में कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा इस दौरान पूजा पाठ के कार्य भी चालू रहेंगे और ना ही भारत में मंदिर के कपाट ग्रहण के दौरान बंद किए जाएंगे दोस्तों वैसे आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के नौ घंटे पहले शुरू होता है तो जिन देशों में ये ग्रहण दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस चंद्रग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक नौ घंटे पहले शुरू होगा जो कि ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाता है दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है चंद्रमा मन का कारक होता है जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका सभी राशियों पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि जब भी ग्रहण जैसी घटना होती है तो वह हर जीव जंतु प्रकृति तथा मानव जीवन पर असर डालती है चंद्र ग्रहण के समय वायुमंडल में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये रहेगा कि ग्रहण के समय आप चाहे भारत में हों या फिर किसी भी देश में चंद्र ग्रहण के समय आप किसी भी तरह का शुभ या मांगलिक कार्य न करें क्योंकि इस समय ग्रहण योग रहेगा इसीलिए इस समय कोशिश करें कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपके जीवन पर प्रभाव डाले क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं दोस्तों गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है इसीलिए जिस जगह पर चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य होगा या जहां पर ग्रहण दिखाई देगा वहां पर गर्भवती लेडीज़ को सूतक व ग्रहण के समय विशेष सावधानी रखनी होगी लेकिन भारत में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप चाहें तो सिर्फ ग्रहण के समय सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं जैसे आप ग्रहण के समय घर के बाहर ना निकलें किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल ना करें आप इस समय चाकू कैंची का इस्तेमाल ना करें और दोस्तों ग्रहण में किया गया दान सभी के लिए फलदायी होता है इसीलिए आप चाहें पुराने कपड़े या पुराने जूतों या फिर सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकती हैं इसके साथ ही ग्रहण के समय आप ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें या भगवान शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें इससे आपको लाभ मिलेगा चलिए अब बात करते हैं कि ये चंद्र ग्रहण किस समय दिखाई देगा तो आपको बता दें भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 25 मार्च की सुबह दस बजकर तेईस मिनट पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति 25 मार्च की दोपहर तीन बजकर दो मिनट पर होगी इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग चार घंटा उनतालीस मिनट की रहेगी दोस्तों ये समय भारत के अनुसार है इस समय भारत में दिन होगा जिस वजह से ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद